नमस्कार, मैं राजदीप पंडित। आप देख रहे हैं एस्ट्रो योगी चैनल हिंदी। हम बात करेंगे मई 2020 के राशिफल और आने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। अगर इससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। बात करते हैं मई 2020 में मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या आने वाला है। यह महीना आपके लिए समझदारी से चलने का है। अपने लाभ के लिए हर स्थिति का प्रयोग कर सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र या जनता से जुड़े क्षेत्र में आपके कार्यों को सराहना मिलेगी। गहन अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। राशि स्वामी बुध का गोचर अधिक दौड़ धूप करा सकता है। लॉटरी, जुए, सट्टे या इस तरह के किसी भी कार्य से आपको दूर रहना चाहिए। मिथुन राशि के जातक जो नौकरी वर्ग से संबंधित हैं इस महीने मिला जुला परिणाम पाएंगे। रुके हुए कार्य करने का दबाव आपके ऊपर रह सकता है। महीने के अंत में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र पर आपकी वाहवाही रहेगी। विदेश से जुड़े कार्य करेंगे। आईटी और कंप्यूटर क्षेत्र से जुड़े जातक अच्छा करेंगे। नई नौकरी लग सकती है। उच्च पद पर बैठे जातक बड़े निर्णय लेने से पहले समझदारी का परिचय देना उनके लिए हितकर रहेगा। वर्तमान नौकरी में पद परिवर्तन का योग बना हुआ है। मिथुन राशि के जातक जो व्यापारी वर्ग से संबंधित हैं अपने आप को गलत रास्तों से धन कमाने के लिए बचना चाहिए। सोच समझकर चलने में लाभ रहेगा। महीने के मध्य में व्यापार में रुकावट रह सकती है। लोन का भुगतान करने में या नया लोन लेने में आपको परेशानी आ सकती है। पैसे को लेकर चिंता रहेगी। सरकार से सहयोग प्राप्त करेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए धन पक्ष इस महीने थोड़ा सा अनुकूल नहीं रहेगा। इस महीने आपका खर्च बढ़ेगा। किसी भी माध्यम से धन की प्राप्ति आपको होती रहेगी, परंतु जातक नए किसी कार्य पर, पत्नी पर या किसी महिला पक्ष के ऊपर अधिक धन खर्च करेंगे। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए परिवार पक्ष 9 तारीख के बाद अधिक दौड़ धूप करा सकता है। घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। विवाहित जातक ससुराल पक्ष से विवाद करने से बचें। परिवार के किसी छोटे सदस्य की सलाह लाभदायक हो सकती है। माता की भावनाओं का ध्यान रखना विशेष आपके लिए हितकर रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह महीना प्रेम संबंधों को लेकर सुखद है। नए संबंध बन सकते हैं। काफ़ी समय से रुके हुए प्रपोजल स्वीकार होंगे और नए रिश्ते भी बन सकते हैं। कुछ जातक प्रेम विवाह की सौगात भी पा सकते हैं। जोड़े के लिए कुछ नया अनुभव रहेगा। यदि रिश्तों में विवाद चला आ रहा है तो सुलझाने का सही समय है। मिथुन राशि के जातक सेहत और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने आप को अनुकूल स्थिति में नहीं पाएंगे। शरीर के अंदरूनी भागों में दर्द रह सकता है। किसी बड़ी बीमारी होने की संभावना बनी रहेगी। जब तक आवश्यक ना हो ज़्यादा लोगों से मिलने से अपने आप को बचाए रखें। मिथुन राशि के जातक जो शिक्षा वर्ग से संबंधित हैं, विद्यार्थी वर्ग या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोग इस महीने कुछ चुनौती पा सकते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों के लिए सफलता मिल सकती है। विदेशी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन पा सकेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी सूझबूझ से कार्य करें। जातक कोई भी परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू को ना छोड़ें। मिथुन राशि के जातक उपाय के रूप में इस महीने गाय को हरा चारा खिला सकते हैं और भगवान गणेश की उपासना कर सकते हैं। बात करते हैं इस महीने आने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। 1 तारीख को श्री बगुलामुखी जयंती, 7 तारीख को वैशाख बुद्ध पूर्णिमा महात्मा बुद्ध जयंती, 22 तारीख को वट सावित्री व्रत, 25 तारीख को ईद उल फितर और 30 तारीख को शीर भवानी मेला रहेगा। यह राशिफल सामान्य ज्योतिष गणनाओं पर आधारित है। आप अपनी कुंडली के बारे में अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं या एनालिसिस कराना चाहते हैं अथवा भविष्य संबंधी चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे लिखे नंबर और लिंक से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपके कॉल और प्रतिक्रिया का मुझे सदैव इंतजार रहेगा। नमस्कार।